साल की एक विदेशी मैम का 25 साल के देशी युवक पर दिल आ गया है। दोनों की प्रेम कहानी फिल्मों की तरह आकार ले रही है। छोटी सी मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया ये उन्हें भी पता नहीं चला। अब दोनों ने शादी करने की ठान ली है, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट में भी आवेदन कर दिया है। फिलहाल मामला विदेशी महिला का होने के कारण कोर्ट ने पूरी जांच और परिजनों की सहमति के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। लेकिन दोनों के बीच करीब 30 साल की उम्र का अंतर होने के बावजूद शादी करना चर्चा का विषय बना हुआ है। छतरपुर जिले में एक 55 साल की मेक्सिको की महिला और खजुराहो के 25 साल के युवक शादी करने जा रहे हैं। एडीएम ऑफिस में शादी के लिए आवेदन देने आए युवक शेख अमन ने बताया कि वह खजुराहो में एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान में काम करता था। तभी एक मेक्सिको की विदेशी महिला मार्था जूलिया उनकी दुकान में आई थी, जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए मुझसे चर्चा की। उनसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा और इसके बाद हम कई बार मिले। हमारी पहचान पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। महिला को भारत के गांव बहुत पसंद थे, वे घूमना चाहती थी तो हमने उन्हें घुमाया। महिला करीब एक माह तक यहां रुकी थी। उस दौरान युवक ने उन्हें अच्छी अच्छी जगह घुमाया, फिर वह वापस विदेश चली गई। फिर कोरोना महामारी के कारण बीच में यहां नहीं आ पाई, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच संपर्क बना रहा। फिर वह अक्सर खजुराहो आने लगी तो परिवार वालों के साथ भी मेल जोल बढ़ गया। इस बार जब वह आई तो युवक ने महिला से प्यार का इजहार कर दिया तो महिला ने भी सहमति दे दी। मेरा नाम शेख अमन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम खजुराहो के रहने वाले हैं। क्या आप किससे शादी कर रहे हैं, किस तरह शादी हुई, कैसे मुलाकात हुई आपकी? मेरी मुलाकात आज से 4 साल पहले हुई थी मार्था जूलिया से, और हम साथ में 4 साल से रिलेशनशिप है मेरा। और अब हम लोग अपना शादी का प्लान बनाया है, तो शादी करके हम लोग साथ में अपने एक दूसरे से लाइफ गुजारना चाहते हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मेक्सिको से हैं। 4 साल से आप लोग जानते हैं, तो आज आपने कहाँ आवेदन दिया है, किस तरह का? आज हमने कलेक्टर ऑफिस पर आवेदन दिया है। कितने साल क्यों रुके रहे आप शादी को 4 साल तक? क्योंकि ये चली गई थी वापस और अब आई है, टाइम भी नहीं था, काम में बिजी थी, काम करती गई और कोरोना भी लग गया था। तो आप लोग यहीं रहेंगे कि विदेश चले जाएंगे? दोनों कंट्री में रहेंगे, इंडिया में भी और मेक्सिको में भी। क्या नाम है आपका? अमन। अमन पूरा नाम? शेख अमन। शेख अमन, क्या करते हैं आप? हम काम करते थे दुकान में। कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो में। Y ahora estamos empezando una nueva relación en nuestras vidas para amar, hacer un equipo nuevo en nuestro trabajo próximo en América. आज बेहतर अधिकारी भारतीय लोह नियम विनिया पर कलेक्टर न्यायालय में शेख अमन की ओर से अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा एक विदेशी महिला से जो कि लास वेगास कैलिफोर्निया से है उससे विवाह करना चाहते हैं। आवश्यक दस्तावेज इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। आगे इसमें इश्तिहार आदि प्रकाशन के बाद जो हमारे विवाह अधिनियम की धारा है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। कितना दिन लगता है इस तरह की शादी में? एक महीने का पहले इश्तिहार है, इसके बाद दावे आपत्ति आती है तो उसके अनुसार पुनः फिर आगे कार्रवाई। क्यों करते हैं सर इस तरह की शादियाँ विदेशी इंडियन में? क्या ये तो हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि वो जिससे चाहे शादी करे। नहीं सर, यहाँ आवेदन दिया है तो उसकी क्या? ये विवाह अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर है और यहाँ कोई भी व्यक्ति जो बालिग है वो विवाह के लिए आवेदन दे सकता है।